सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, वह भी मज़ेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। फिर हिंदी की क्लास में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है बरसा बादल। उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे अक्षर और 12 खड़ी की। फिर आकार में हम लोग सीखेंगे नए नए अक्षरों को लिखना। उसके बाद बोलो कौन में रिश्तों से जुड़े शब्दों को सीखेंगे। फिर शामिल होंगे गणित की क्लास में और हल करेंगे जोड़ से जुड़े शाब्दिक सवालों को। फिर जोड़ घटाव सीखेंगे और अंत में अंग्रेजी में पढ़ेंगे एक राइम जिसका नाम है टेडी बियर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें ये गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरी लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के दो ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसन दास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेल कूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता, कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी।
माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया, उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया, पर सच तो यह था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं, राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी, और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते। अंग्रेज मांस खाते हैं इसीलिए ताकतवर है, तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था, पर उनका मझला भाई करसनदास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है, हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे नीडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था, उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा, उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। उस रात बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती, उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था, वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त से उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते, तब भूखी नहीं बचती तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते, भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी ने चोरी की थी। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड बच्चे अपने माता पिता, अपने भाई बहन और अपने परिवार वालों के साथ देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा शो तो घंटे भर में खत्म हो जाएगा, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई सब मिलकर करते रहेंगे तो बहुत मजा आएगा। क्यों, क्या कहते हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे एक कहानी और उसके बाद हम खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल। तो आप तैयार हैं? चलिए सुनते हैं एक कहानी। आप लोग वहाँ ऊपर देखिए, काला बादल जा रहा है। बिटिया, वह जा रहा है, कहीं पर बरसेगा। अरे अरे, देखिए देखिए उस मोर को, शायद वह बादल से कुछ कह रहा है। बिटिया, वह बोल रहा होगा, बादल भैया तुम बरसो, फिर मैं जम के नाचूंगा। अच्छा, पर काका
बादल को और कौन कौन बरसने के लिए बोलता होगा? इसको जानने के लिए तो कहानी सुननी पड़ेगी। अरे वाह, फिर तो जल्दी से सुना ही दीजिए। हाँ काका, पता तो चले बादल भैया को कौन क्या बोलता है। तो ध्यान से सुनो इस कहानी को। बरसा बादल। एक बादल चला जा रहा था। मोर ने कहा, तुम बरसो, मैं नाचूंगा। मछली ने कहा, तुम बरसो, मुझे और पानी चाहिए। किसान ने कहा, तुम बरसो, मैं फसल बोऊंगा। राजू ने कहा, तुम बरसो, मैं नाव चलाऊंगा। बादल बरसने लगा। मोर खूब नाचा। तालाब भर गए। मछली खुश हो गई। किसान फसल बोने लगा। छपा छप चुन चुना। राजू ने दोस्तों के संग कलाबाजियां खाई। हंसते हुए बादल आगे चल दिए। अपने पीछे सौंधी खुशबू छोड़ गए। अरे वाह, बड़ी ही मजेदार कहानी थी। बिटिया, मजे के साथ साथ तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिले या नहीं? बिल्कुल काका। बिटिया, सुनकर बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। बाकी चर्चा करके कहानी को और समझते हैं। चर्चा में भी खूब मजा आने वाला है। ठीक है, तो बिट्टू तुम बताओ, मछली ने बादल से क्या कहा था? ये तो मुझे अच्छे से याद है। मछली ने बादल से कहा, तुम बरसो, मुझे और पानी चाहिए है। बहुत बढ़िया। बिट्टू के काका, आप बताइए, किसान ने बादल से क्या कहा था? किसान ने बादल से कहा, तुम बरसो, मैं फसल बोऊंगा। काकी, अब आप बताइए, मोर क्यों नाचने लगा था? बिटिया, बादल बरसने लगा, जिसे देखकर मोर नाचने लगा। वाह काकी। बच्चों, आप भी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सोचिए और घर के सदस्यों को बताइए। पहला प्रश्न, राजू ने बादल से क्या कहा था? दूसरा प्रश्न, मछली क्यों खुश हो गई थी? तीसरा प्रश्न, हंसते हुए बादल अपने पीछे क्या छोड़ गया था? चौथा प्रश्न, बारिश के मौसम में आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है? पांचवा प्रश्न, बारिश से जुड़ी कोई कविता घर के सदस्यों से सुनिए और सुनाइए। बिट्टू की काकी, बारिश की कहानी सुनने के बाद तो पकौड़े खाने की इच्छा होने लगी है। हाँ हाँ, इसमें इतनी सोचने की क्या बात है, शाम को मिलकर बनाते हैं पकौड़े। बिल्कुल, पकौड़े तो शाम को खाने वाले हैं, पर अभी कोई पहले खेल तो खिला दीजिए। आज मजा ही मजा है, दिन में खेल और शाम को पकौड़े। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी खेलते हैं एक खेल जिसका नाम है आकार। वाह वाह। आइए बच्चों, खेलते हैं एक मजेदार खेल जिसका नाम है आकार। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या करना है, कैसे करना है, आगे देखते हैं। इसमें तीन अलग अलग आकार दिख रहे हैं। चलिए किसको शुरू करें, इसको। चलिए देखते हैं आगे क्या करना है इसमें। अच्छा, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अक्षर। अच्छा, अक्षर है ये, क्या है ये? अच्छा, ये बना कैसे था देख लेते हैं एक बार। अरे वाह, बहुत बढ़िया बना। चलिए अब हम भी बनाने की कोशिश करेंगे ऐसे। चलिए इस कलर को लेते हैं पहले और इसको शुरू करते हैं बनाना। ये रहा ऐसे, इसमें कलर कर लिया। ये बढ़िया है। अरे वाह, बहुत मजा आ रहा है ये तो कलर करने में। अरे वाह, ये यहाँ किया मैंने, ये यहाँ, और इसको यहाँ ले लिया, और ये ऐसे सही बन रहा है।
ओके, कहीं कहीं कुछ दिक्कत तो है, चलिए देखते हैं उसको सही करने की कोशिश करते हैं। ठीक ठाक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आ गया ट, चलिए इसको देख सुन लेते हैं, इसका नाम ट, ये बना कैसे था देखें, चलिए देख लेते हैं। अरे वाह, अब चलिए हम लोग इसको कलर करते हैं इसमें। और यहाँ से लिया इसको ऐसे, ये यहाँ तक लिया और ये इसको सही किया इस तरह से, ये लेकर और यहाँ पहुँचा दिया। अब यहाँ कुछ जगह खाली है, इसको भी कलर कर देते हैं, कोशिश करते हैं अच्छा बनाने की। हाँ अब ठीक ठाक है, चलिए आगे चलते हैं अब। ये क्या आ गया घ, हाँ चलिए वापस इसका नाम सुन लेते हैं। घ बना कैसे था देखते हैं वापस एक बार। चलिए अब इसमें कलर भरने की कोशिश करते हैं। ये घ में इस तरह से यहाँ तक ये सही है और ये भी ठीक है, यहाँ तक लिया और ये यहाँ तक लिया, क्या लग रहा है ठीक है? ठीक ठाक लग रहा है। क्या है ये, कौन सा अक्षर है? घ, नाम सुने, ये देखिए घ। आगे बढ़ें, बहुत मजा आ रहा है कलर करने में मुझे। अभी आ गया श, शलगम का श, सुने श। अब चलिए इसको कलर करते हैं इसमें, ये वाला यहाँ से हमने शुरू किया, ये यहाँ लिया हमने और यहाँ से ये, ये सही नहीं लग रहा, ओहो ये ये कुछ ज़्यादा यहाँ बाहर निकल गया, चलिए देखते हैं फिर भी कोशिश करते हैं। चलिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया ज, चलिए नाम सुने पहले ज, ज। अब इसमें ये वाला कलर भरते हैं, यहाँ से ये शुरू किया इस लाइन को और यहाँ से ये वाला ले लिया इसमें और यहाँ से ये यहाँ तक, ज़्यादा अच्छा नहीं बना, बाहर निकल गया पर चलेगा, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है ओ, क्या है ओ, चलिए इसको भी कलर करते हैं, ये यहां से हमने शुरू किया, ये निकाला और यहाँ से ये लिया, अभी तक तो सही है, क्या लग रहा है आपको, सही है ना? हाँ यहाँ से ये ले लिया, ये सही है, यहाँ भी इसको ले लिया हमने, ये यहाँ से देखा और ये यहाँ से, अरे वाह बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा है इस खेल में। देखिए नाम सुनते हैं। क्यों बिट्टू और बिट्टू के काका, कैसा लगा खेल? मुझे तो स्कूल के दिन याद आ गए। अच्छा बिट्टू तुम्हें? काकी जब भी मैं इस खेल को खेलती हूँ तो मुझे लगता है कोई चित्र बना रही हूँ और उसमें रंग भर रही हूँ। अरे वाह, इसलिए खेल का नाम सुनते ही वाह वाह करने लगी थी। हाँ काकी, अलग अलग रंगों से अक्षर को लिखने में खूब मजा आ रहा था। फिर खेल की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और खेलते हैं एक और खेल। अरे वाह, लगता है आप फिर से हमको स्कूल के दिनों में लेकर जाइएगा। बिल्कुल काका,
कोई खेल तो शुरू कीजिए। हाँ हाँ, अभी जो खेल खेलने वाले हैं उसका नाम है बोलो कौन रिश्ते। बहुत खूब। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं एक मजेदार खेल जिसका नाम है बोलो कौन रिश्ते। तो इस खेल में करना क्या है, तो इस खेल में हम रिश्तों को पहचानना है हमें, किसका कौन क्या लगता है और उस रिश्ते को कहते क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस खेल को। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, पति का बड़ा भाई। तो पति का बड़ा भाई को क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, पोती, पड़ोसी, जेठ, ससुर। तो मुझे लग रहा है जेठ होना चाहिए। देख, बिल्कुल सही है। तो पति का बड़ा भाई क्या हुआ, जेठ। चलिए आगे चलते हैं। पत्नी के पिता, पत्नी के पिता को क्या बोलेंगे, आप भी सोचिए। भांजी, ससुर, नातिन, पौत्री, भतीजा। ये होगा लग रहा है मुझे, ससुर। अरे वाह, बिल्कुल सही है। तो पत्नी के पिता को क्या बोलते हैं, ससुर। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब है यहाँ पे बड़े भाई की पत्नी। तो बड़े भाई की पत्नी को क्या बोलते हैं, भाभी, नानी, नंदोई, मौसेरा भाई। मुझे तो लग रहा है कि ये होना चाहिए, भाभी। तो भाभी देखते हैं। बिल्कुल सही है। तो बड़े भाई की पत्नी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, भाभी। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब है पोते की पत्नी। अच्छा, पोते की पत्नी को क्या बोलेंगे, भाई, देवर, पंथी, पतोहू। क्या हो सकता है, आप भी सोचिए। चलिए देखते हैं पतोहू का। ये तो बिल्कुल सही है। तो पोते की पत्नी को पतोहू बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि अब क्या है। अरे खेल समाप्त, चलिए वापस खेलते हैं, बहुत ही मजा आ रहा है इस खेल में। अब है माँ की माँ को। अच्छा, माँ की माँ को क्या बोलेंगे, ये तो मुझे पता है, आपको भी पता होगा, आप तो गर्मी की छुट्टियों में वहां जाते भी होंगे। तो नानी बोलते हैं, है ना। चलिए देखते हैं सही है या नहीं। अरे वाह, बिल्कुल सही। तो माँ की माँ को क्या बोलेंगे, नानी। आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है बहन का पुत्र। अच्छा, बहन का पुत्र को क्या बोलेंगे हम, दादा, दादा तो नहीं लग रहा, भांजा, फुफेरी बहन, भाई, बहू, भयो। तो बहन का पुत्र भांजा होना चाहिए, देखते हैं सही है या नहीं। अरे वाह, बिल्कुल सही। आगे चलें, चलिए चलते हैं। माँ के पिताजी। माँ के पिताजी को क्या बोलते हैं, ये आपको भी पता होगा, जरूर पता होगा, है ना, क्या बोलते हैं। चलिए देखते हैं, सोचिए। पड़ोसी, क्या पड़ोसी बोलते हैं, नहीं। भांजी, मुझे नहीं लगता। देवर, ये भी नहीं लग रहा। नाना, हाँ ये लग रहा है मुझे, माँ के पिताजी को क्या बोलते हैं, नाना। चलिए देखते हैं। अरे बिल्कुल सही उत्तर है ये। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ आ गया माँ की बहन। माँ की बहन को क्या बोलेंगे, चलिए आप ही देखिए इसमें से चारों में से कौन होगा। माँ की बहन, नाना, नाना तो नहीं होगा। मौसेरा भाई, ये भी नहीं लग रहा मुझे। चाची, मौसी, मुझे लग रहा है ये होना चाहिए, देखते हैं। चाची क्या लगता है आपको, सही है, देखते हैं।
ओहो, ये तो सही नहीं है, तो फिर तो यही होगा। इसको देखते हैं मौसी पर क्लिक करके। अरे वाह, बिल्कुल सही है ये। तो माँ की बहन को क्या बोलेंगे? मौसी। चलिए आगे चलते हैं। बिट्टू के काका, इस खेल को खेलने से सभी रिश्तेदारों की याद आ गई। काका, जब भी ये खेल खेलती हूँ मुझे नए नए रिश्तों के नाम जानने का मौका मिल जाता है। बिट्टू और बिट्टू की काकी, यही तो इस खेल की खासियत है। बिल्कुल काका। बिट्टू के काका, याद है जब हम लोग बिट्टू की मौसी से मिलने गए थे तो नदी पार करने के लिए नाव पर बैठे थे? हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। तुम्हें तो नाव पर बैठने के बाद डर भी लग रहा था। और काका मुझे? बिटिया, तुम्हें तो नाव पर बैठने की बहुत जल्दी थी, पर मुझे तो बहुत मजा आया था। बिटिया, तुमने तो मौसी के घर पहुँचते ही नाव पर बैठने की कहानी मौसी को सुना दी। पर अभी तो मौसी के यहाँ जाने वाले भी नहीं है, फिर मौसी और नाव की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी जो हम कविता सुनने वाले हैं वह नाव के बारे में ही है। अरे वाह, फिर तो जल्दी से शुरू करिए नाव वाली कविता। तो सुनते हैं नाव वाली कविता। एक छोटी किश्ती मेरे पास, मैंने बनवाई नीली रंग वाली। एक छोटी अरे वाह काकी, ऐसा लग रहा था जैसे मैं ही नाव में बैठी हूँ। वास्तव में बिट्टू की काकी, बहुत ही बढ़िया कविता थी। वो तो है। बिट्टू, तुम्हें भी तो नाव से जुड़ी कविता याद है? हाँ काकी, वह मैंने स्कूल में सीखी थी। फिर तो तुम भी सुना ही दो बिट्टू अपनी वाली कविता। जरूर सुनाऊंगी, पर कल। अच्छी बात, पर कल सुनेंगे जरूर। प्रॉमिस काका काकी। बच्चों, इस कविता को सुनकर आपको खूब मजा आया होगा। आप भी कोई कविता घर के सदस्यों से सुनिए और सुनाइए। दोस्तों, बहुत हो गई पढ़ाई, अब वक्त है कुछ मस्ती करने का। चलिए आज सुनते हैं एक अच्छी सी कविता। यह कविता बड़ी ही मजेदार है। इस कविता से हमें एक सीख भी मिलने वाली है। यह सीख हम एक बड़े ही मज़ेदार तरीके से सीखेंगे। चलिए देखते हैं आज की कविता, जिसका नाम है आओ कर लें दंत मंजन। आओ कर ले दांत में मंजन, आओ कर ले दांत में मंजन। जैसे चले गाड़ी का इंजन, जैसे चले गाड़ी का इंजन। छुक 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 ऊपर, छुक छुक नीचे। छुक छुक ऊपर, छुक छुक नीचे। छुक छुक दाएं, छुक छुक बाएं। छुक छुक दाएं, छुक छुक बाएं। आओ भर ले मुंह में पानी, आओ भर ले मुंह में पानी। पानी भर के कर ले कुल्ला, पानी भर के कर ले कुल्ला। हा हा ही ही हल्ला गुल्ला। क्यों थी ना मजेदार कविता, सुन के मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा। कविता की धुन तो और भी मजेदार थी, आपको भी मजा आया ही होगा। चलिए कविता एक बार फिर से सुनते हैं। तो आप लोगों ने कहानी सुनी
और फिर कुछ अक्षरों के खेल भी खेल लिए। मतलब आज तो बहुत कुछ सीख लिया, नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नई चीजें सीखते हैं। आगे हम क्या करेंगे? आगे हम पढ़ेंगे गणित। डरने वाली बात नहीं है, गणित बहुत आसान होती है अगर खेल खेल में हंसी मजाक में सीखे तो। तो चलिए सीखते हैं गणित खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, आइए हल करते हैं शाब्दिक सवाल। शाब्दिक सवाल किसके? जोड़ के। तो देखिए दोस्तों, एक पेड़ पर 13 चिड़िया है और दूसरे पर है 12। तो बताओ कि दोनों पेड़ों पर कुल मिलाकर कितनी चिड़िया है? चलिए देखते हैं। देखिए, एक पेड़ पर है 13 और दूसरे पर 12 है, ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये है 10 और ये 3, कुल हो गई 13। और ये है 10 और ये 2, तो ये हो गई कुल 12। ठीक है, तो पहले पेड़ पे 13 और दूसरे पे हो गए 12। अब आइए इकाई को मानते हैं एक चिड़िया और दहाई मतलब 10 चिड़ियों वाला समूह। तो इकाई पर 3 है, देखिए पहले पेड़ पे, और दहाई पर 1 ही है। और जोड़ देते हैं इकाई पर 2 और दहाई पर 1 यानी 12 को। तो 13 में 12 को जोड़ लेते हैं, अगर एक साथ मिला दें तो इस तरह 3 और 2 5 हो गए। तो अगर मिलाया तो 10 और 10 20 हो गए यानी 2 दहाई। तो इस तरह कुल 25 चिड़िया, दोनों पेड़ों पर कुल मिलाकर 25 चिड़िया हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये रहा अगला सवाल। सवाल देखिए क्या है, सवाल है कि रीना के पास 12 कप हैं और अमन के पास 11 कप हैं। तो बताओ कि दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कप हैं? अच्छा भैया, रीना के पास 12 हैं, अमन के पास 11 हैं, देख लेते हैं कुल मिलाकर कितने होते हैं। तो ये रहे रीना के कप, ये कुल 10 और 2 12 हो गए। और ये अमन के देखो, ये 10 और ये 1 हो गए 11। हमने 10-10 के समूह में थोड़ा अलग लिख लिया। अब इकाई मतलब 1 कप और दहाई का अर्थ है 10 कप वाला समूह। अब क्या करेंगे, चलिए इकाई पर देखिए, रीना के पास 2 हैं और दहाई पर 1 दहाई है। इसी तरह अमन के पास देखिए, इकाई पर 1। अगर हम इकाई वाले जो अलग अलग उनके रखे थे कप, उन्हें मिला दें तो 2 और 1 3, तो यहाँ इकाई पर 3 आ गया। अच्छा, और अब अगर ये 10-10 वाले समूहों को मिलाए तो कुल 20 यानी 2 दहाई। ठीक है, तो कुल मिलाकर 23 कप हुए, दोनों के पास कुल मिलाकर 23 कप है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, राजेश के पास 23 चॉकलेट है और गणेश के पास है 16 चॉकलेट। तो बताओ कि दोनों के पास कुल मिलाकर कितने हुए?
देखिए दोस्तों, राजेश के पास 23 चॉकलेट है। तो भाई राजेश की 23 चॉकलेट किस तरह है? ये है 20 और ये 3, तो हो गई 23। और गणेश के पास है 16, तो देखिए ये 10 चॉकलेट का समूह है और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 चॉकलेट अलग से है, तो हुई कुल 16। अब चलो इकाई का मतलब क्या है देखते हैं। एक चॉकलेट, ढाई का अर्थ है 10 चॉकलेट वाला समूह। अब हम इकाई ढाई में चलो देखते हैं है क्या हमारे पास। तो राजेश के पास इकाई पर है 3 चॉकलेट और दहाई पर 2 दहाई है क्योंकि उसके पास 20 चॉकलेट का समूह है। और गणेश, उसके पास इकाई पर 6 चॉकलेट है, दहाई पर 1 दहाई है। अब अगर मैं इकाई वाली चॉकलेट्स को मिला दूं तो देखिए 6 और 3 9 हो गई और दहाई 10, 30 मतलब कुल 3 दहाई। इसका मतलब है दोनों के पास कुल मिलाकर 39 चॉकलेट है। अब दोस्तों अंतिम सवाल, रमन के पास 15 पतंग है और सदन के पास 11 है, तो दोनों के पास कुल मिलाकर कितने हैं? चलिए देखते हैं। ये हैं रमन के पतंग, ये 10 और ये 5 कुल 15, और ये सदन के, ये 10 और ये 1 11। अब इकाई दहाई में इन्हें लिखते हैं। तो इकाई पर 1 पतंग और दहाई का अर्थ है 10 पतंग वाला समूह। देखिए रमन के पास इकाई में 5 है और दहाई पर 1 दहाई है, और सदन के पास इकाई पर 1 है और दहाई पर है 1। अब दोनों को जोड़ लेते हैं तो देखिए इकाई पर 5 और 1 हो गए 6, तो ये रहे 6। और दहाई पर देखिए 10 और 10 हो गया है 20, यानी 2 दहाई। इस तरह दोनों के पास कुल मिलाकर 26 पतंग है। तो दोस्तों आज के सवाल यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अंक पहेली। बताइए कि अंक पहेली में इस बार हम क्या करने वाले हैं? देखिए चिन्ह कौन से दिख रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, हम करने वाले हैं जोड़। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी अंक पहेली नंबर 1। सबसे पहले सबसे ऊपर वाली पंक्ति में 2 में कितने जोड़ने पर 10 होते हैं? तो देखिए दोस्तों 2 पहले से हैं और अगर ये 8 मिल जाए तो हो जाने वाले हैं 10। इस तरह 2 जोड़ 8 = 10 होता है। अब देखिए इधर 2 में कितने जोड़ने पर 7 होंगे? दोस्तों 2 और 5 = 7 होते हैं, सही कहा ना। और अब बीच वाली पंक्ति में देखिए 5 में कितने जोड़ने पर 8 होते हैं? तो 5, 6, 7, 8 मतलब हमने कितने जोड़े? हमने जोड़े 3। तो इस तरह 5 और 3 हो गया 8। अब यहाँ देखिए कॉलम में 10 और 8 कितने होते हैं दोस्तों? ये तो बहुत आसान है, 10 और 11, 10 और 2 = 12, इसी तरह 10 और 8 = 18। अच्छा अब क्या बचा है? हाँ यहाँ देखिए 15 में कितने जोड़ने पर होते हैं 20? तो 15 और 5 = 20 होते हैं। और अब सबसे अंतिम बॉक्स बचा है हमारा ये नीचे वाली पंक्ति पे, 18 में कितने जोड़ने पर 20 होंगे? सोचिए दोस्तों, हाँ 18 और 2 = 20 होते हैं। तो ये रही हमारी अंक पहेली नंबर 1 जो हो चुकी है हल। आगे देखिए अंक पहेली नंबर 2। 13 में हमें जोड़ना है इतना कि 22 आ जाए, तो 13 में कितने जोड़े जाए दोस्तों? चलिए 13 में जोड़ते हैं 9। अच्छा अब 13 में 2 जोड़ो तो कितने होंगे? देखिए 13, 14 और ये 15, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, चलो सबसे नीचे वाली पंक्ति पर 15 और 15 ये जोड़ने पर होंगे कुल 30, क्योंकि 15 का 2 गुना ही 30 होता है। और अब कहाँ हल करें? चलो यहाँ देख लेते हैं,
सबसे अंतिम वाले कॉलम पे। 22 में कितने जोड़ने पर होते हैं 30? तो 22 और 8, 22 और 8 होते हैं 30। अच्छा, और अब बीच वाली कॉलम में 9 में कितने जोड़ने पर 15 होंगे दोस्तों? तो 9 और 6 होते हैं 15। अच्छा, अब अंक पहले नंबर 3 पर देखिए। शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? सबसे ऊपर वाली पंक्ति से। 14 में कितने जोड़ने पर 24 होते हैं? तो देखिए दोस्तों, इकाई पर यहाँ भी 4 है, वहाँ भी 4 है, बस 1 का 2 हुआ है, मतलब 10 जोड़ा गया है। इस तरह 10 और 14 होते हैं 24। अब क्या करें, यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले कॉलम या सबसे बाएं कॉलम में 14 में 9 जोड़ो, तो देखिए 14 और 6 हो जाते हैं 20, और फिर बचे 3 तो 23। बिल्कुल ठीक। और अब कहां पर हल किया जाए बताइए दोस्तों? सबसे नीचे वाली पंक्ति पर 23 और 13, ये कितने होंगे दोस्तों जोड़ने पर? देखिए पीछे अगर इकाई पर ध्यान से देखें तो 3 और 3 है, तो 3 और 3 हो गया 6, और 2 और 1 3, इस तरह 3 और 6 36। बिल्कुल ठीक दोस्तों। दोस्तों अब हम क्या हल करें बताइए, कितने बक्से हमारे पास बचे हैं? एक बचा है अंतिम कॉलम में बीच में, और बीच वाले कॉलम में भी बीच में है। किसे पहले हल करें? ठीक है, पहले हल कर लेते हैं यहाँ सबसे अंतिम कॉलम पे। 24 में क्या जोड़ा जाए कि हमें 36 प्राप्त हो जाए? सोचो दोस्तों क्या जोड़े। 12, देखिए इकाई पर 2 और 4 तो हुआ 6, और 2 और 1 3, इस तरह 12 जोड़ेंगे। बिल्कुल ठीक। और अब सिर्फ बची है हमारी ये वाला कॉलम। 10 में कितने जोड़ने पर 13 होते हैं? 10 और 1 11, 10 और 2 12, तो 10 और 3 13। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज के खेल के अंक में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जोड़ के कुछ सवाल। तो चलिए देखते हैं कि ये सवाल कैसे हल होते हैं। हमें सबसे पहले सवाल दिया गया है 19 जोड़ 12। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जी हाँ, हम इन संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में लिखेंगे, जैसा कि इस चार्ट में भी दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 19। तो बताइए कि 19 में दहाई के स्थान पर क्या होगा? 19 बनता है 10 और 9 से, तो 10 यानी कि 1 दहाई, और 9 होगा इकाई के स्थान पर। अब बारी है 12 की। तो 12 में 1 होगा दहाई और 2 होंगे इकाई के स्थान पर। अब इन्हें जोड़ते हैं, पहले इकाई वाले अंकों को जोड़ते हैं। तो 9 और 2 मिलकर कितने हुए? 9, 10, 11, तो ये हुए 11। लेकिन 11 तो हम इकाई के स्थान पर नहीं लिख सकते ना, तो हम इकाई के स्थान पर लिखेंगे 1, और 1 हमारा हासिल चला जाएगा। अब दहाई के अंकों को जोड़ते हैं, 1, 2 और 1 हासिल, मिलकर हो गए 3। तो 19 जमा 12 हमारा अंतिम जवाब होगा 31। That's right. ये बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 28 जमा 31। तो फिर से दहाई और इकाई के रूप में लिखना है। तो 28 में दहाई के स्थान पर है 2, और इकाई के स्थान पर, बिल्कुल सही, 8। 31 में बताइए कि दहाई के स्थान पर कौन सा अंक है? जी हाँ, 31 में दहाई के स्थान पर है 3, और इकाई के स्थान पर, बिल्कुल सही कहा आपने, 1। अब इन्हें जोड़ते हैं, 8 और 1 मिलकर हो गए 9।
कोई हासिल नहीं जाएगा। तो दहाई के अंकों को जोड़ते हैं, 3 जमा 2 हो गए 5। तो 28 जमा 31 हमारा अंतिम जवाब हुआ 59। That's right. ये भी बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखें क्या है। अगले सवाल में हमें दिया है 32 जमा 19। तो अब आप बताएंगे कि यहाँ पर दहाई के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। 32 में दहाई के स्थान पर लिखा जाएगा, बिल्कुल सही, 3, और इकाई के स्थान पर 2। 19 में क्या लिखेंगे दहाई के स्थान पर? जी हाँ, 19 में दहाई के स्थान पर होगा 1, और इकाई के स्थान पर 9। ये हमने पहले भी किया है। अब जोड़ते हैं, 9 और 2 मिलकर हो गए 11। तो उत्तर में इकाई के स्थान पर हम लिखेंगे 1, और 1 कहाँ जाएगा? बिल्कुल सही, 1 जाएगा हमारा हासिल में। अब जोड़ते हैं दहाई के अंकों को, 3 और 1 मिलकर हुए 4, और 1 हासिल भी है, तो यहाँ ये बन गए 5। तो इस तरह 32 जमा 19 अंतिम जवाब बना 51। That's right. आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है 47 जमा 46। तो जल्दी से इन्हें दहाई और इकाई के रूप में लिख लेते हैं। 47 में दहाई के स्थान पर क्या है? जी हाँ, 47 में दहाई के स्थान पर है 4, और इकाई के स्थान पर 7। अब बारी है 46 की। तो 46 में भी दहाई के स्थान पर है 4, और इकाई के स्थान पर है 6। अब जोड़ते हैं हम इकाई वाले अंकों को। तो 7 और 6 मिलकर कितने हुए? 7 और 6 मिलकर हो गए 13। तो हम इकाई के उत्तर, तो हम उत्तर में इकाई के स्थान पर लिखेंगे 3, और 1 होगा हमारा हासिल। अब 4 और 4 मिलकर कितने हुए? जी हाँ, 8, और 1 हासिल जोड़ा तो बन गए ये 9। तो इस तरह 47 जमा 46 उत्तर आया 93। That's right. दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का खेल पसंद आया होगा, और ये जो सवाल हमने हल किए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। हम ऐसे ही नए नए खेल लेकर आते रहेंगे और आपको ढेर सारी नई बातें सिखाते रहेंगे। धन्यवाद। हेलो बच्चों, देखो लिखो और हल करो। तो दोस्तों, देखते हैं आज आपको कौन से सवाल हल करने हैं। पहला सवाल ये रहा। सवाल है कि एक टोकरी में 25 सेब हैं, ठीक है? एक टोकरी में कितने सेब हैं? 25। रानी ने वहां और 20 सेब की एक टोकरी रख दी, तो बताओ कि दोनों टोकरी में कुल मिलाकर कितने सेब हैं? ये देखिए, ये रखे रानी ने और 20 सेब। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है कि एक बोरे में 27 गाजर हैं, दादी ने उसमें और 18 गाजर डाले, देखिए, तो बताओ अब बोरे में कुल मिलाकर कितने गाजर हो गए? दोस्तों ध्यान से देखिए, 27 गाजर हैं और फिर 18 और डाल दिए, तो अब कितने हुए? अगला सवाल दोस्तों, ध्यान से पढ़िए फिर जवाब दीजिए। सवाल है कि विनोद के पास 16 केले हैं और माने उसे और 16 केले दिए, तो बताओ अब विनोद के पास कुल कितने केले हुए? देखिए, 16 तो पहले से थे, माने और 16 दिए, तो वो सोचिए कितने हुए। और अब अगला सवाल दोस्तों, एक रस्सी पर 14 पक्षी बैठे हैं और एक पेड़ पर 13, तो कुल मिलाकर कितने पक्षी बैठे हैं? 14 पक्षी बैठे हैं रस्सी पर और 13 फिर एक पेड़ पर बैठे हैं, तो कुल मिलाकर कितने हुए?
और अब अंतिम सवाल। सवाल है कि राजू के पास 13 गुब्बारे हैं और संजू के पास 15 हैं। तो बताओ कि दोनों के पास कुल मिलाकर कितने गुब्बारे हैं? दोस्तों, राजू के पास 13, संजू के पास 15 हैं, तो कुल कितने हुए? सोचिए और उत्तर दीजिए। आज की हमारी राइम है टेडी बेयर। इस राइम में हम देखेंगे हमारा टेडी बेयर क्या क्या करता है। चलिए राइम सुनते हैं। Teddy bear, take my hand. Teddy bear, you're my friend. Teddy bear, I love you. Teddy bear, this is true. Teddy bear, turn off the light. Everybody say shush. Teddy bear, say good night. हमारे टेडी बेयर ने सुबह से शाम तक बहुत सी चीजें की। टेडी बेयर के काम देखकर तो मजा आ गया। आपको भी मजा आया ना? ओ, आया ना मजा गणित सीखकर भी। मैं आशा करती हूँ कि आज हमने जो भी सीखा है आप लोग घर पर दोहराएंगे और अपने घर पर सीखेंगे। तो अभी तो वक्त समाप्त हुआ, हमें जाना पड़ेगा, पर कल हम फिर मिलेंगे इसी वक्त यहीं पे। आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से e-lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।